नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका रामनिवास मेहरा के साथ। साथियों, आज मैं फिर उपस्थित हूँ श्याला दर्पण से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण अपडेट लेकर आपके साथ। तो आप बने रहिए वीडियो के अंत तक और देखिए कि क्या श्याला दर्पण पर नवीनतम अपडेट आया है और हमें उसे कैसे अपडेट करना है। यह एक आदेश 22/9/2020 को जारी हुआ है साथियों, जिसका विषय है श्याला दर्पण पोर्टल पर ऑनलाइन कार्यकरण सुनिश्चित करने तथा स्टाफ कॉर्नर लॉगिन में व्यक्तिगत सूचनाएं अद्यतन करने बाबत। हमारे स्टाफ कॉर्नर पर सूचनाएं हमें अद्यतन करनी है और कार्यकरण की सूचनाएं भी हमें ऑनलाइन श्याला दर्पण ही अपडेट करना अनिवार्य है। तो यह आदेश इससे संबंधित है साथियों। अब मैं आपको यहाँ नीचे ले जाकर दिखा देता हूँ। हो सकता है आपके पास आदेश पहले से ही पहुँच चुका हो, आपने इसे रीड भी कर लिया हो, लेकिन सूचनाएँ किसको अपडेट करनी है और किसको नहीं, इसके लिए यहाँ हमें इम्पोर्टेंट निर्देश दिया हुआ है साथियों। श्याला दर्पण पोर्टल पर स्टाफ कॉर्नर के माध्यम से स्थानांतरण आवेदन टैब के अंतर्गत शिक्षा विभाग में कार्यरत कार्मिकों से स्वयं तथा पारिवारिक सदस्यों की व्यक्तिगत सूचनाएं अपडेट करवाई जा रही है। अतः यहां देखना है साथियों अपनों को, अतः स्थानांतरण नहीं चाहने वाले कार्मिक भी उक्त व्यक्तिगत सूचनाएं अपडेट किए जाना सुनिश्चित करें। इस लाइन से हमें क्लियर हो रहा है कि चाहे आप स्थानांतरण चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे हैं, तो भी आपको इन सूचनाओं को अपडेट करना है। मतलब हमारे सभी साथियों को ये सूचनाएं श्याला दर्पण पर अपडेट करना अनिवार्य है। तो साथियों, अब चलते हैं हम श्याला दर्पण पर, जहां हम देखेंगे कि इन सूचनाओं को हम कौन कौन सी सूचनाएं हमें अपडेट करनी है। तो चलिए श्याला दर्पण के होम पेज पर, ये लीजिए साथियों, हम आ चुके हैं श्याला दर्पण के होम पेज पर। और साथियों, मैं हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं जो भी कार्य करता हूँ वो मोबाइल से करता हूँ। तो आप, मैं अभी भी आपकी सहायता मोबाइल से ही ये वीडियो बना रहा हूँ। अब यहाँ ऊपर जो हमें ये तीन डॉट दिखाई दे रहे हैं, इस पर सबसे पहले क्लिक करना है। यहाँ पर साथियों हमें ऑप्शन मिलता है डेस्कटॉप साइड का, यह रहा साथियों वो डेस्कटॉप साइड का ऑप्शन हमारे सामने। तो इस वाले ऑप्शन पर हमें यहाँ चेक बॉक्स में राइट कर देना है, क्लिक कर देना है सॉरी। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, ये हमारे सामने डेस्कटॉप मोड पर हमारा मोबाइल वर्क करने लगेगा और इस तरह का पेज आपके सामने डिस्प्ले होगा। अब साथियों, हमें यहाँ ऊपर लॉगिन नहीं करना है, हमें यहाँ नीचे की ओर जाना है, क्योंकि सूचनाएं स्टाफ विंडो पर अपडेट होगी। यह आ चुका है साथियों हमारे सामने ऑप्शन स्टाफ विंडो का। तो अब हमें इस स्टाफ विंडो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, अगला प्रश्न हमारे सामने खुलकर आएगा इस तरह से। अब यहाँ राइट हैंड की तरफ हमें कॉर्नर में दिखाई दे रहा है साथियों स्टाफ लॉगिन का ऑप्शन, तो इस पर हमें क्लिक कर लेना है। अब आगे आ चुके हैं हम स्टाफ लॉगिन के होम पेज पर। तो यहाँ पर साथियों, यूज़र नेम में हमें हमारी NIC ID जो है वो डाल लेनी है, पासवर्ड में आपके जो भी पासवर्ड हो आप इंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ जो ये कैप्चा हमें दिया हुआ है, इन कैप्चाओं को यहाँ इंटर कर देना है सेम टू सेम। फिर हमें नीचे की ओर आना है। अब साथियों, हमें यहाँ एक ऑप्शन मिल रहा है लॉगिन का, इस लॉगिन वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, आगे मैं सूचनाएँ डाल कर ले जाता हूँ आपको, इस तरह का अगला श्याला दर्पण का पेज हमारे सामने आएगा। अब यहाँ कोने में हमें साथियों दिखाई दे रहे हैं ये तीन वाइट लाइनें, इनके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, अन्य हमारे सामने और ऑप्शन खुलेंगे। अब साथियों, यहाँ एक ऑप्शन हमें मिल रहा है अप्लाई का, इस अप्लाई वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं, इसमें अन्य और सारे ऑप्शन हमारे सामने आते हैं। अब यहाँ एक ऑप्शन है साथियों अप्लाई फॉर ट्रांसफ़र का, आप चाहे ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी साथियों हमें इसी ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो इस पर हम क्लिक कर लेंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, अन्य और ऑप्शन हमारे सामने आ जाएंगे। यहाँ है स्टाफ पर्सनल डिटेल का, ये ऑप्शन साथियों हमें मिल रहा है, हमें इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। और यदि आप
ट्रांसफ़र के लिए एप्लीकेशन डालना चाहते हैं तो वो ऑप्शन यहाँ नीचे हैं। तो फिलहाल हम स्टाफ पर्सनल डिटेल को अपडेट कर रहे हैं तो इस वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक कर लेना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे इस तरह का प्रश्न हमारे सामने अगला आ जाएगा। जहाँ साथियों यहाँ पहला हमारे सामने ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है ये वाला कि परिवार के सदस्यों के नाम, हमें यहाँ जो ये बॉक्स दिया हुआ है इस बॉक्स में जैसे हम क्लिक करेंगे आपके सामने आपका कीपैड एक्टिव हो जाएगा। आपको यहाँ आपका सबसे पहले नाम लिख लेना है। उसके बाद हमारे सामने यहाँ अगला जो दूसरा ऑप्शन हमें मिल रहा है उसमें है कर्मचारी से संबंध। इस वाले ऑप्शन पर हमें यहाँ जाना है नीचे की ओर, यहाँ क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे यदि आप ऊपर ही ऊपर स्वयं का नाम लिख रहे हो, खुद कर्मचारी का लिख रहे हैं तो स्वयं वाले को सेलेक्ट करें। यदि आप आपके पिताजी का नाम, माताजी का नाम, पति का नाम, पत्नी का नाम, पुत्र का नाम, जिसका भी नाम पहले सेलेक्ट कर रहे हैं उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके उपरांत यहाँ साथियों अगला ऑप्शन हमें मिल रहा है लिंग का। इस लिंग वाले ऑप्शन पर हमें आना है। जैसे हम यहाँ क्लिक करेंगे नीचे बॉक्स में यहाँ ऑप्शन आ जाएगा हमारे सामने मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर जो भी है वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमारे सामने अगला जो ऑप्शन यहाँ मिल रहा है व्यवसाय, वो क्या कार्य करते हैं आप, है तो आपका राज कर्मचारी आ जाएगा या उनका जो भी है वो। आप यहाँ जब नीचे इस जगह क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ व्यवसाय की सूची खुल जाएगी। यहाँ अध्ययनरत, राजकीय सेवा, निजी क्षेत्र में कार्यरत, मजदूरी, इस तरह से या अन्य ये ऑप्शन है, जो भी उचित हो आप यहाँ सेलेक्ट कर लें। उसके उपरांत साथियों यहाँ अगला ऑप्शन हमें मिल रहा है वैवाहिक स्थिति। तो हम यहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे वैवाहिक स्थिति से संबंधित हमारे सामने ऑप्शन खुल जाएंगे। अब विवाहित है, अविवाहित है, विधवा है, परित्यक्तिका है, तलाकशुदा है, जो भी आपके लिए उचित हो आप यहां से सेलेक्ट कर लें। उसके बाद अगला जो ऑप्शन हमारे सामने आ रहा है साथियों जन्मतिथि। ये जन्मतिथि हमें बिल्कुल ध्यान रखना है, जन्मतिथि उसी व्यक्ति की यहां लिखनी है जिसका नाम सामने है। जैसे ही हम यहां क्लिक करेंगे एक कैलेंडर बॉक्स आपके सामने आ जाएगा जहाँ हमें सबसे पहले वर्ष को सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद महीने को यहाँ से सेलेक्ट करना है, उसके बाद जो भी डेट हो उसकी जन्मतिथि की वो हमें सेलेक्ट कर लेनी है। ध्यान रहे साथियों यहाँ जन्मतिथि आपको इसी कीपैड से सेलेक्ट करनी है। अब जब अगला ऑप्शन हमारे सामने यहाँ पे हमें मिलता है, मैं आपको आगे भी वो दिखाता हूँ कौन सा ऑप्शन है। यदि दिव्यांग है तो यहाँ मिल रहा है साथियों हमें, यदि वो व्यक्ति जिसका विवरण हम यहाँ डाल रहे हैं तो उसके दिव्यांग के लिए हमें यहाँ क्लिक करना पड़ेगा। अब हम जब यहाँ क्लिक करते हैं तो यहाँ केवल चेक बॉक्स में राइट होगा, आपको श्रेणी यहाँ नहीं पूछी जा रही है, केवल चेक बॉक्स में ये राइट हो जाएगा। अब अगली सूचना हमसे मांगी जा रही है साथियों दिव्यांग का प्रकार, तो यहाँ हमें दिव्यांग का प्रकार के लिए यहाँ सेलेक्ट का ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करोगे आपके सामने सूची खुल जाएगी कि किस प्रकार का दिव्यांग व्यक्ति है, तो वो हमें यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। फिर अगला ऑप्शन हमें साथियों यहाँ दिया हुआ है दिव्यांग का प्रतिशत मेडिकल बोर्ड के प्रमाण पत्र के अनुसार, जितनी भी आपको मेडिकल बोर्ड ने दिव्यांग प्रमाण पत्र में परसेंटेज शो कर रखी है वो प्रतिशत हम यहाँ दर्ज कर लेंगे। उसके बाद अगला ऑप्शन हमारे सामने यहाँ पर है मेडिकल बोर्ड प्रमाण पत्र जारी करने की दिनांक। साथियों ध्यान देना है जो भी आपका दिव्यांग व्यक्ति है, दिव्यांग का प्रमाण पत्र है, उसकी जो जारी करने की दिनांक हमें यहाँ नीचे इंद्राज करनी है। अब अगला इसी में हमें ऑप्शन मिलता है साथियों यदि असाध्य बीमारी से पीड़ित है तो, यदि जिस व्यक्ति की सूचनाएं हम यहाँ डाल रहे हैं वो किसी असाध्य बीमारी से पीड़ित है तो यहाँ एक चेकबॉक्स दिया हुआ है इस पर हमें क्लिक कर लेना है। अब फिर आगे जो सूचना है असाध्य बीमारी का नाम, यहाँ साथियों जैसे ही हम यहाँ क्लिक करेंगे असाध्य बीमारी जो भी उस व्यक्ति को है वो हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद अगली सूचना हमसे यहाँ मांगी जा रही है साथियों, यहाँ ध्यान देने वाली विशेष बात है, मैं क्लियर कर देता हूँ आपको उसे भी, मेडिकल बोर्ड प्रमाण पत्र जारी करने की दिनांक। अब जो एक बार हमसे यहाँ सूचना मांगी जा रही थी कि मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र करने की दिनांक, तो ये दिव्यांग के लिए थी, लेकिन यहाँ जो
ये मांगी जा रही है जारी करने की दिनांक, वो असाध्य बीमारी के लिए है साथियों। हमें दोनों अलग अलग प्रमाण पत्र होते हैं, तो ये असाध्य बीमारी वाला जो आपको बोर्ड ने जारी किया है प्रमाण पत्र, उसकी तिथि यहाँ अंकित कर देनी है। और उसके बाद आपकी जो मोबाइल की स्क्रीन को हमें इधर लेफ्ट हैंड की ओर खिसकाना है, यहाँ एक ऑप्शन मिलता है साथियों अपने को कि ऐड न्यू। जैसे ही हम यहाँ क्लिक करेंगे ऐड न्यू पर, इस व्यक्ति की इंफॉर्मेशन यहाँ दर्ज हो जाएगी। और फिर यदि आप आपके परिवार में और भी सदस्य हैं तो उसके लिए यहाँ नीचे की ओर आगे और ऑप्शन अपने को सेम इसी तरह से मिल जाएंगे। तो जितने भी आपके परिवार में सदस्य हैं उनकी सूचनाएं आप स्टेप बाय स्टेप यहां दर्ज करते जाइए। अब उक्त सूचनाएं दर्ज करने के बाद हमें यहां नीचे की ओर आना है साथियों, जहां हमसे और इन्फॉर्मेशन पूछी जा रही है। कार्मिक, स्थायी निवास का पता, जो भी आपका स्थायी निवास का पता है, बहुत से कर्मचारी या हमारे साथी है वो अपने जिले को छोड़कर दूसरे जिले में जॉब कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें यहाँ राज्य सेलेक्ट पहले से ही करना है। आप जिस भी राज्य से बिलोंग करते हैं यहाँ से राज्य सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद यहाँ जिला सेलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद यहाँ नीचे ऑप्शन मिल रहा है हमें ब्लॉक सेलेक्ट करने का, तो ये सूचना है हम यहाँ ब्लॉक सेलेक्ट नहीं होगा, ब्लॉक का नाम आपको यहाँ पर लिखना होगा। उसके बाद हमें हमसे अगली सूचना मांगी जा रही है ग्राम पंचायत वार्ड, जो भी आपका ग्राम पंचायत है वार्ड है उसका इंदराज यहाँ कर दे। उसके बाद आपका ग्राम का नाम पूछा जा रहा है, आपके विलेज का नाम आपको यहाँ लिखना है। उसके बाद अगला है यहाँ ऑप्शन साथियों पिन कोड का, जो भी पिन कोड आपके यहाँ लगते हैं वो आप यहाँ दर्ज कर लें। उसके बाद यहाँ अगला जो हमें नीचे की ओर ऑप्शन मिल रहा है हैबिटेशन पता, आपका संपूर्ण पता आपको यहाँ से दर्ज कर देना है। फिर अगला ऑप्शन हमारे सामने यहाँ पर है विधानसभा, आपको विधानसभा के लिए यहाँ ऑप्शन मिल रहा है साथियों सेलेक्ट का। आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे आपकी संबंधित विधानसभा जो भी हो यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ दर्ज कर दें। उसके बाद अगला ऑप्शन है हमारे पास लोकसभा, जो भी आपकी लोकसभा लगती है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें। अब हमें यहाँ नीचे की ओर आना है साथियों, जहाँ हमसे पूछा जा रहा है कार्मिक के निवास का वर्तमान पता, ये वाला है साथियों आपके जो वर्तमान में आप जहाँ निवास कर रहे हैं उसका यहाँ आपको राज्य सेलेक्ट करना है। ये निश्चित है कि राजस्थान ही आएगा। उसके बाद जिस भी ज़िले में आपकी जॉब है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जिस भी ब्लॉक में आप पोस्टेड हो वो ब्लॉक का नाम आपको यहाँ दर्ज कर देना है। अब नीचे की ओर हमसे और सूचनाएं मांगी जा रही है वो भी देख लेते हैं। ग्राम पंचायत वार्ड, जिस भी ग्राम पंचायत में आपकी जॉब हो या वार्ड में आपका स्कूल हो वो आपको यहाँ लिख देना है। उसके बाद ग्राम का नाम आपका आपसे यहाँ पूछा जा रहा है तो ग्राम का नाम हमें लिख देना है। फिर पिन कोड का अगला ऑप्शन हमारे सामने है यहाँ, तो आपको यहाँ पिन कोड डाल देना है। अब नीचे की ओर चलते हैं और यहाँ हमारे साथ और ऑप्शन है साथियों, यहाँ पर हमें मिलता है हैबिटेशन का पता, तो आप यहाँ संपूर्ण पता आपका दर्ज कर दीजिए। उसके बाद आपका विद्यालय कौन से या आप जहाँ निवास कर रहे हैं उसका विधानसभा क्षेत्र आपसे पूछा जा रहा है तो यहाँ क्लिक करके आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ अंत में आपको पूछा जा रहा है लोकसभा, कौन सी लोकसभा में आप वर्तमान में निवास कर रहे हैं वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ साथियों ऑप्शन मिल रहा है हमें फाइनल सबमिट का, तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हमें यहाँ इसको फाइनल सबमिट कर देना है। यदि आपको फिर भी इसमें कोई और समस्या आए तो मैं आपके साथ हूँ, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करिए, मैं आपकी निश्चित ही हेल्प करूँगा। मिलते हैं इसी तरह के वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।